Question 4. Find the equation of integral surface of differential equation yp minus 2xyq is equal to 2xz which passes through x is equal to t, y is equal to t square, z is equal to t cube. Given differential equation is yp minus 2xyq is equal to 2xz. Its auxiliary equations are dx upon y, dy upon minus 2xy is equal to dz upon 2xz. From first two members of 1, we have 2x dx is equal to minus dy. यहाँ पे हमारा x y के साथ y कैंसिल हो गया. इंटीग्रेटिंग xk is equal to minus y plus c1. xk plus y is equal to c1. Taking second and third member of 1, we have 2 के साथ 2 कैंसिल, x के साथ x कैंसिल. इसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा. dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन z इक्वल टू 0. इंटीग्रेशन कर दी log y प्लस log z इज इक्वल टू log c2. yz इज इक्वल टू c2. तो हमारी इंटीग्रल सरफेस क्या आ गई? xk प्लस y इज इक्वल टू c1, yz इज इक्वल टू c2. इक्वेशन 2. पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व आर गिवन बाय, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी. x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t के, z इज इक्वल टू t क्यूब. इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया. x की वैल्यू क्या है हमारी? t. तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू c1, t स्क्वायर इंटू t क्यूब इज इक्वल टू c2. t की पावर 5 इज इक्वल टू c2. दोनों साइड हमने स्केयरिंग कर दी तो t की पावर 10 c2 स्केयर. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? दोनों साइड 5 की हमने पावर लगा दी तो क्या बन जाएगा? 32 t की पावर 10 इज इक्वल टू c1 की पावर 5. t की पावर 10 की वैल्यू क्या है हमारी? t की पावर 10 की वैल्यू हमारी c2 स्केयर. यहाँ पे गलत दे रखा है c2 स्क्वायर और ये वाला c1 एज इट इज. c2 स्क्वायर c1 की पावर 5 एज इट इज. पुटिंग वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 फ्रॉम 2 वी गेट c2 की वैल्यू क्या आती है हमारी? yz और x. c1 की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y. यहाँ पे हमने पुट कर दिया 32 y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू x square plus y की पावर 5 which is a required integral surface.